नमस्कार, जनशिव आयुर्वेदामध्ये आपला स्वागत आहे। जनशिव आयुर्वेदा में आपका सभी का स्वागत है। कैंसर जो कीमोथेरेपी कर रहे हैं, कृपया करके अपने पास बिना कीमोथेरेपी इलाज है। और जिस पेशेंट की कैंसर से बनने के बाद तो जो मसला निकाल रहे हैं, जो बहुत ऑपरेशन को खर्च आ रहा, 5 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख, तो ये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास बिना कीमोथेरेपी से इलाज यहाँ पे हो रहा है, जिसका आँखों का ऑपरेशन है समझो, जो ऑपरेशन कर रहा बाद में भी उसे समस्या आ रही, तो वो भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जिसको कम दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं, दूर का नहीं दिखाई देता, आँखों से पानी आना, आँखों में झुनझुनाहट करना, फिर आँख खजाना या ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम रहने के बाद यहाँ पर मिली है। दाँतों की समस्या जो कुछ है, पेट की समस्या, टॉयलेट की समस्या या अन्य कोई भी समस्या रहे तो ये जनशिवम में आ जाए। आज हमारे पास इसलिए प्रोटेक्शन के, जो कि इनके दाँतों में क्या दिक्कत है, क्या नहीं बनने वाले बोलने वाले बोले ये पकड़ लो। हाँ, क्या है अभी समस्या बोलो। दांत दर्द दे रहे हैं। हाँ, दांत कैसे, क्या ऐसा ठस कर दांत दर्द दे रहे हैं? नाम बताइए आपका, क्या है? शेख मोइन शेख इस्माइल, रेलवे स्टेशन बागवान। हाँ, दांत मेरे एक साल से दर्द दे रहे हैं। एक साल से? हाँ, एक साल से। हाँ। और सवेरे और शाम में ज़्यादा दर्द देते हो? तो फिर कभी दवाखाने में गए थे? दवाखाने में गए थे, ऐसा गोलियाँ लिए, खाए, एक दो दिन अच्छा मालूम हुआ और चालू हो गया। दवाखाने में कौन से गए थे? ऐसा मेडिकल पे सलाह लिए समझो, दवाखाने में समझो नहीं गए। दवाखाने में नहीं? नहीं नहीं, खाली मेडिकल। हाँ, बस बस। तो उसे कुछ दिन खाए तो आराम लग रहा? आराम लग रहा, बाद में जैसा चालू हो जा रहा, चालू हो जा रहा, चालू हो रहा दर्द, चालू हो जा रहा। तो फिर हमारे यहाँ जो जन सेवा जो आयुर्वेदा है, हाँ, तो ये आपको कैसे पता चला? आप वो तुम्हारा एडवर्टाइज चालू है मोबाइल पे? हाँ, यूट्यूब पर। यूट्यूब पे हम देखे तुम्हारा, देख के आपके पास आए। किसका वीडियो देखे आप? हम बाल दुपड़े का वीडियो देखे। हाँ। और तुम्हारा वीडियो देखे। हाँ, हाँ, आया वो भी दांतों के वजह से था, वो दांतों के। हाँ। दांतों के वास्ते तो मैं आ गया उसके लिए। हाँ, तो उनको जाके फिर बातचीत भी किए क्या ऐसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया, मैं डायरेक्ट आ गया। डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, वही इतना से खाली बस बस बस। ठीक, कोई बात नहीं, हम देखेंगे आपकी प्रॉब्लम कहाँ तक है और कितनी बड़ी है प्रॉब्लम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है अपना, कि भारत देश में सभी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में या सभी राज्यों में ये शेयर होना चाहिए। क्योंकि कैसा है, अपन दांत निकाल रहे नहीं तो नैसर्गिक तौर पर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। और नैसर्गिक तौर पर करना बोले तो कैसा है, जो दाता है और जैसे बीमारी आई हमारी नैसर्गिक थ्रो, तो उसी तरह से नैसर्गिक थ्रो ही उसका करेक्शन होना चाहिए, उसकी हाल का अच्छा होना चाहिए, उसकी समस्या मिटनी चाहिए। इस तरह से हमारी दवा है। जैसे कि मैं बोल रहा ना कि आंसर जो तुम्हें आया है वो नैसर्गिक तौर पर आया है, तो उसे कैंसर को उस नैसर्गिक तौर पर ही कम करना, यही सबसे बेटर इलाज है। तो आप क्या कर रहे हैं, MES MD उधर कैंसर स्पेशलिस्ट हैदराबाद में जा रहे, नांदेड़ को, औरंगाबाद को जा रहे, या और पुणे मुंबई ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे और तंग तंग आकर पैसा खर्च करे, जमीन इक्रे, सब प्लाट इक्रे, कुछ भी करे, घाटे में जा रहा। अरे उन्हें गारंटी, उन्हें बोल रहा क्या कीमोथेरेपी करने के बाद तेरा कैंसर बीमा कम होने वाला या बाद में नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना उन्हें। तो ये सोचने की बात है। मैं क्या बोल रहा, तुमको कैंसर मेरे पास बाद में नहीं आएगा, कैंसर कायम स्वरूप ही तुम्हारा इधर से डिस्चार्ज हो जाएगा, कायम स्वरूप ही खत्म हो जाएगा, ये अपने पास दवा है। तो मैं कृपया यही कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरी जो मिली है और यहाँ का इलाज लिया, इतना बोलता हूँ। ये वीडियो मिलने के बाद एक से लेकर हर ग्रुप में शेयर करें, जिनका कल्याण होने हो जाएगा यहाँ पे, इतना बोलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।